ये अमेरिका है, हैदराबाद नहीं। किसको भी सलामा मार के पटाने के वास्ते। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो गाल पे पड़ी, नहीं तो ये अंग्रेज इसी जगह मारते जिसको शरीफ लोग तशरीफ बोलते। कहीं को तो भी नहीं पड़ी कि मेरे को देखे तो एकदम जबरदस्त गेटअप में गया था मैं। लाल पीले बनियन लुंगियां पहने तो क्या पॉश गेटअप हो गया? ऐसा कोई भी नहीं पहनते बोल के नए लुक में गया था मैं। मेरे को क्या मालूम उन्हें मेरे चेहरे का लुक खराब कर देंगी बोल के। यहाँ के गोरियों को पटाना बोले तो जरा हटके स्टाइल में लाइन मारना पड़ता। भाई जरा अपने को भी सिखाओ ना, जरा हटके स्टाइल मारना, भाई की जिंदगी बन जाती जी। चल मेरे साथ, अब गोरियों की लाइन लग जाना तेरे पीछे। हाँ सही भी, अब्बा चलो। भाई यहाँ गोरियां जबरदस्त दिख रही, जरा जल्दी से काम करा दो। जरा सबर करो, जल्दबाजी में थप्पड़ा खाते। मामा यहाँ पे तुम्हारे टाइप की लड़की कौन भी नहीं दिख रही। मेरे टाइप की मतलब? अरे तुम्हारे टाइप की मतलब तुम्हारे जैसी खूबसूरत, तुम्हारे जैसी चंचल दिल वाली। कैसा होता कि बाप? अरे एक मिनट ठहर, मिल गई तेरे ख्वाबों की गोरी। तू एक मिनट ठहर, मैं तेरा काम करके आ। आई लव यू। फिर पड़ी यार उसको भैरी। इसकी तो किस्मत ही खराब है। तू टेंशन मत को ले मां, दूसरी पटाके देता हूं। जब देखो जब सोते रहता। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूं, नहीं सोने की तनख्वाह दे रहा हूं मैं। यस सर। क्या मियां सोने के वास्ते रखा मैं? नहीं सर, कल वो दोस्त की शादी थी ना, दूल्हा आए आए तक 12 बज गए। आपको तो मालूम है ना सर, हैदराबाद की शादियां कब तक चलते। तेरे पास हर वक्त कुछ ना कुछ बहाने रहते। पहले ये बोल स्टूडेंट आए क्या नहीं। हाँ सर, सब लोग आ गए, बस अब इंतजार है तो आपकी आनी मैडम का। हाय, इतने प्यार से नाम ना लिया करो वरना हम यूं ही बहक जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज आप सबकी क्लास का पहला दिन है। मेरी खुशकिस्मती तो देखो, मेरी जिंदगी का पहला ऐसा बैच है हर उम्र के लोग मौजूद है। क्लास शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दें। ऐसे डरो मत, जितना आता उतना बोलो। आई अखलाक पहलवान, हाउस अंसारी रोड, वर्क मनी से पब्लिक को हेल्प। अरे जनाब, इंग्लिश क्यों सीखना चाहते ये तो बोलो। अब क्या बोलूं, पैसे लेने देने के कारोबार में लोग उल्टा मैं देना हूं बोल के इंग्लिश में लिखा ले रहे हैं। अंगूठा लगा के अंगूठा दिखा रहे हैं। नेक्स्ट। माय नाम सोहेल, माय गर्लफ्रेंड बोलती गुड इंग्लिश। अच्छा, माय बी वांट टू गुड इंग्लिश सर। नेम हीरो हीरालाल। ओहो, पावरफुल डायनेमिक डैशिंग हीरो। होम फूल बाग। अब मैं हॉलीवुड में एक्टिंग करना चाह रहा हूँ। यहाँ की इंडस्ट्री बिरयानी की आस देख के दाल राइस भी नहीं दे रही, इसलिए इंग्लिश सीखना चाह रहा हूँ। नेम फरदीन, नो जॉब क्योंकि नो इंग्लिश। अब इंग्लिश सीख के सबकी बोलती बंद करना है। सर माय नेम इज चिन्नप्पा स्वामी,
My home is in Chennai. अब्बा, उधर तुम्हारा नाम का बहुत चर्चा जी। हे सर, इसीलिए मैं यहाँ इंग्लिश सीखने आया ना जी। My name is Nikhat. मुझे और अच्छी इंग्लिश सीखकर किसी के साथ अमेरिका में सेटल होना है। मैं इरफान, होम बंजारा हिल्स, नो वर्क, माय फादर फुल अमीर, सात पीढ़ी बैठ के खा सकते हैं। ओके ओके, आगे की बात समझ गया मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सक्यूज मी सर, शैल आई कम? वेलकम वेलकम। मुंह मत खोलो, मच्छर आ जाएंगे। बाजू ठहरी हसीना, तो ज़ईफ़ों को भी जा रहा पसीना। सर सर, इनको मेरे बाजू में बैठो, बोलो ना। मैडम पढ़ने नहीं आए, पढ़ाने के लिए आए हैं। तब तो पढ़ने का और मजा आएगा, और मजा आएगा। बी सीरियस नाउ, कॉन्सेंट्रेट ओनली इन इंग्लिश। लेट्स वेलकम मिस एनी, शी विल टेक द क्लास। प्लीज मैडम। इट इज माई प्लेजर बाबू हैंसम। Hey man, what's you doing? She is very sexy and hot. साला। यस सर। जब देखो जब सोते रहता, तेरे को स्टूडेंट पे नजर रखो बोले तो वो ड्यूटी मेरे को लगा दिया। ऐसा कैसा नींद आती तेरे को हमेशा? क्या तो भी है कि भाई एनी मैडम के साथ खाब में भी मजे लेने नहीं दे रहा। क्या बड़बड़ा रहा उधर देख के? कुछ भी नहीं, आपके बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? खाली तुम तवा गरम करते रहो, दूसरे जने रोटियां सेक ले रहे। क्यों बेटा, बहुत चल रही तेरी जबान आजकल। ले, किसी का अच्छा बोलना भी गुनाह है यहाँ पे। अरे जाके देखो भाई, एनी मैडम क्लास के अंदर बच्चों के साथ कैसा घुल मिल जा रहे। ऐसा इतने खूबसूरत चेहरे को छोड़ के उजार चेहरों के पीछे अब भी देख क्या था। कैसा बेवकूफ बनाया हूँ चिन्नप्पा, आज तुम बहुत उखड़े उखड़े दिख रही। कुछ नहीं जी, हमको हमारा वाइफ याद आना जी। जिंदगी हमारी सुख के पत्तों की तरह देखना हमारे बीवी का याद आना जी। मैं सोचती इससे पहले क्यों नहीं मिलती जी मुझे। What do you mean, चिन्नप्पा?
मैडम, इसका मतलब क्या है जी? मैडम, ये चिन्नप्पा एड़ा बन के पेड़ा खाने के चक्कर में दिख रहा। इसको एक कान के नीचे गाफ के पीछे दिए तो पूरे मतलब मालूम होते। अब्बा, ये कान तो समझ में आना जी, ये गाफ क्या होना जी? अरे चुप चिन्नप्पा के बच्चे, हमको भी मौका दे मैडम के साथ बात करने का, नहीं तो थोड़ी देर में वो उजाड़ सूरत बाबू हैंडसम की क्लास शुरू हो जाती। मेरी इज्जत को धोबी की तरह पटक पटक के चिंदियां कर दे रही। भाई मैडम कितने तो भी अच्छे हैं ना भाई। चलो आज की क्लास खत्म, फिर मिलते हैं माय क्यूट चिल्ड्रन, बाय। अब्बा शुरू होते ही खत्म। निकत, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ तो बोलो ना। मुझे आपके नोट चाहिए था, दो दिन जो क्लास नहीं आया ना, इसे देख के कंप्लीट कर लूंगा। हाँ लो। थैंक यू।